बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम जब इंक्रीमेंट कर रहे थे तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि आप वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करा देंगे। जब हमने प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म को यूज़ किया था तो रिज़ल्ट जो है ना वो सेम आ रहा था। अब अगर दोनों फॉर्म सेम रिज़ल्ट यानी कि आपको डिलीवर करती हैं या प्रोवाइड करती हैं तो फिर हम इन दोनों फॉर्म को क्यों यूज़ करते हैं, इसमें क्या यानी कि फ़र्क क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड इंडिपेंडेंटली प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म गिव सेम रिज़ल्ट। मीन कि जब आपका ऑपरेटर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हो तो प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म जो है ना वो सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट ए इज इक्वल टू 5, ए प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पे मैंने पोस्टफिक्स फॉर्म यूज़ कर ली ए प्लस प्लस, तो जब सी आउट ए करेंगे तो ए की वैल्यू जो है ना 6 रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। इंट ए इज इक्वल टू 5, दोबारा फिर मैंने एक वेरिएबल लिया उसको वैल्यू 5 दे दी, प्लस प्लस ए, सी आउट ए गिव द सेम रिजल्ट। ऊपर वाले जो हमने समझ लिया एग्जाम्पल्स है तो ये एग्जाम्पल जो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, बेशक आप प्रीफिक्स फॉर्म यूज़ कर लें या आप पोस्टफिक्स फॉर्म यूज़ कर लें। तो अब इसमें डिफरेंट देखते हैं। बट व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन ए लार्ज एक्सप्रेशन विद अदर ऑपरेटर्स देन प्रीफिक्स फॉर्म एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क डिफरेंटली। मीन कि जब आपका ऑपरेटर या वेरिएबल्स किसी लार्ज एक्सप्रेशन का हिस्सा हो और लार्ज एक्सप्रेशन के थ्रू आपके वैल्यू जो है ट्रांसफ़र हो रही हो तो प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म जो है ना इनका रिजल्ट जो है ना वो सेम नहीं आएगा बल्कि इनका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लेता हूँ इंट ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब देखें ये बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस ए है यानी कि प्रीफिक्स फॉर्म यूज़ की है, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे तो ऐसे आएगा बी इज इक्वल टू इंक्रीमेंट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑफ ए। तो ये जो आपकी जो लाइन है ना ये क्या करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए। सबसे पहले क्या होगा, ए की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एंड देन असाइन द वैल्यू टू बी, और जब वैल्यू में इजाफा हो जाएगा उसके बाद ए की वैल्यू किसको ट्रांसफर हो जाएगी, बी की वैल्यू। मीन के ए की वैल्यू भी 6 हो जाएगी और बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी कि ये वाली जो लाइन है इसका अगर हम इसका स्टेप करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए प्लस 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 सॉरी प्लस प्लस ए, ए की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, ए की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी बी को ट्रांसफर हो जाएगी, आउटपुट ए इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और बी इज इक्वल टू भी 6 हो जाएगा, यानी कि सेम रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर देखें इंट एक्स कॉमा वाई, एक्स इज इक्वल टू 10, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, तो अब ये क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल असाइन द वैल्यू ऑफ x टू y, यानी कि x की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, y को ट्रांसफर हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी है, 10 है, अब 10 किसको ट्रांसफर हो जाएगा, y को ट्रांसफर हो जाएगा। एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट द वैल्यू इन x, और उसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा। अब इसके स्टेप अगर करें तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप में क्या होगा, x की वैल्यू y को ट्रांसफर हो जाएगी, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, x की वैल्यू में इजाफा हो जाएगी। जब x की वैल्यू पहले स्टेप में ट्रांसफर होगी तो x की वैल्यू ऊपर से कितनी थी, 10 थी, तो 10 किसको ट्रांसफर हो जाएगा, y को ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद x की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा, x की वैल्यू 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। बट जब वैल्यू पहले ट्रांसफर होगी, इंक्रीमेंट बाद में होगा, तो देन इसका आउटपुट जो रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे int a कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा वाई लेता हूँ, a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू एक्स है, x इज इक्वल टू वाई है, y इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 5 लेता हूँ, ठीक हो गया। इट मीन के x की वैल्यू भी 5 है, y की भी 5 है, b की भी 5 है और a की वैल्यू भी 5 ही ट्रांसफ़र हमें यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a इज इक्वल टू प्लस प्लस b, a इज इक्वल टू प्लस प्लस b हो जाएगा, c आउट a इज इक्वल टू यहाँ पे a की वैल्यू शो कर देंगे और उसके बाद एंड लाइन आ जाएगा, उसके बाद हम b की वैल्यू जो है ना उसको शो करा देंगे और उसके बाद हम एंड लाइन को मेंटेन करेंगे।
और फिर मैं कहता हूँ जी कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं कहता हूँ सी आउट एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, उसके बाद एंडलाइन का फंक्शन, उसके बाद मैं कहता हूँ वाई इज इक्वल टू यहाँ पे वाई की वैल्यू, और उसके बाद मैं एंडलाइन का फंक्शन जो है यूज़ करता हूँ। प्रोग्राम को सेव करते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ए की वैल्यू भी 6 है, बी की वैल्यू भी 6 है, बट एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 5 है। अब ये कैसे होगा? अब देखें, हमने चार वेरिएबल लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी एक्स वाई एंड वाई, उसके बाद हमने चारों वेरिएबल को सेम वैल्यू जो है ट्रांसफ़र कर दी। अब ए इज इक्वल टू प्लस प्लस बी। अब ये जो लाइन है हमारी, इसका जो सीक्वेंस है ना, नंबर वन पे स्टेप क्या होगा, प्लस प्लस बी, यानी कि बी की वैल्यू में एक का इजाफा होगा, और उसके बाद नंबर टू स्टेप क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब देखें, जब बी की वैल्यू में इजाफा होगा तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी, और उसके बाद बी अपनी वैल्यू किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, ए में ट्रांसफ़र कर रहा है। मीन के इंक्रीमेंट पहले होगा और वैल्यू ट्रांसफ़र बाद में होगी, तो इट मीन के ए की वैल्यू भी 6 हो जाएगी और बी की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। बट जब ये वाली हम करेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास कि आपके पास फर्स्ट स्टेप में होगा एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आपका आ जाएगा वाई प्लस प्लस। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले क्या हो रहा है, वाई की वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है एक्स को, वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक्स को ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद वाई की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। मीन के वैल्यू ट्रांसफ़र पहले होगी और इंक्रीमेंट बाद में होगा। अब वैल्यू ट्रांसफ़र पहले हो चुकी है तो वैल्यू 5 थी, और इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है तो इंक्रीमेंट की वैल्यू जो है ना वो 6 हो जाएगी। तो ये तो था समझ लें कि इसमें डिफरेंट आ रहा है। तो यानी कि अगर आपका वेरिएबल जो है ना, समझ लें कि आपका वेरिएबल इंडिपेंडेंटली काम करे तो प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं होता, बट अगर आपका जो क्या कहते हैं वेरिएबल, अब इसी लाइन को देखें, ये वाली जो लाइन है दोनों, अगर मैं इनको स्टेप कर दूँ, मैं कह देता हूँ जी पहले बी की वैल्यू में इजाफा हो और उसके बाद ए में ट्रांसफ़र हो जाए, और इसको भी मैं कह देता हूँ जी पहले वाई की वैल्यू में इजाफा हो जाए और उसके बाद एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए, अब इनका रिज़ल्ट सेम आएगा। क्यों? इंक्रीमेंट अलहदा हो रहा है, वैल्यू ट्रांसफ़र अलहदा हो रही है, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट अलहदा हो रहा है और वैल्यू अलहदा से ट्रांसफ़र हो रही है। मीन के किसी का इफेक्ट दूसरे पे असरअंदाज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे रिज़ल्ट जो है ना वो सेम रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए, ए का भी 6 आ रहा है, बी का भी 6 आ रहा है, वो एक्स का भी 6 आ रहा है और वाई का भी 6 आ रहा है। बट अगर आप इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी समझ लार्ज एक्सप्रेशन में कर देते हैं, तो फिर इनकी वैल्यू में फ़र्क जो है ना वो आ जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे इसको कट करके ये इसकी सीरीज समझ सीक्वेंस बन जाएगा, और ये वाला जो है ये इसका सीक्वेंस बन जाएगा। अब इसको अगर रन करते हैं तो इनकी वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जहन में रेज़ हो रहा तो कमेंट्स में डाल दें, उसका आंसर आपको इंशाल्लाह लाजमी दिया जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ओके, बाय, अल्लाह।